प्रिय दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत जो कि उदयातिथि के अनुसार 2 जुलाई को पड़ रहा है, रखा जाएगा यह व्रत। तो यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि इस योगिनी एकादशी में 4 शुभ योगों में यह व्रत रखा जाएगा। अब यह 4 शुभ योग कौन कौन से हैं? एक तो धृति योग है, दूसरा त्रिपुष्कर योग है, तीसरा योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, और चौथा है शिववास योग। तो यह 4 जो योग बहुत ही योग महत्वपूर्ण बन रहे हैं। इन 4 योगों में किया गया स्नान दान जप तप व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये जो धृति योग है, धृति योग योगिनी एकादशी पर धृति योग का योग यानी कि संयोग हो रहा है। 2 जुलाई को धृति योग सुबह 11:17 तक चलेगा, और इसके बाद त्रिपुष्कर योग योगिनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:37 से 3 जुलाई सुबह 4:40 तक होगा। अब इसके बाद तीसरा योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग का निर्माण 2 जुलाई को सुबह 5:27 से 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को लौकिक और पारलौकिक, लौकिक मीन्स इस जगत से संबंधित भौतिक सुखों को भी देता है और आध्यात्मिक सुखों को भी देता है। इस प्रकार से इस वर्ष आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की जो ये योगिनी एकादशी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन 4 शुभ योगों में व्रत रखा जाएगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की ये जो एकादशी है, ये उदयातिथि के अनुसार 2 जुलाई 2024 को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दिन मंगलवार होने के साथ साथ इसमें जो है इस एकादशी में सुंदरकांड का भी पाठ करना जरूरी है। इस प्रकार से प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करेंगे, और जो है ये अखंड ज्योति, देखिए ये अखंड ज्योति को भी स्थापित करेंगे। अखंड ज्योति क्योंकि दीपक हमारा साक्षी है, दीप ज्योति ही परम ज्योति ही दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापम दीप ज्योति नमो अस्तुते। इस प्रकार दीपक जला करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जप करते हुए एक माला इस जो है मंत्र की करेंगे, और ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए वह ब्रह्म भगवान विष्णु क्या कह हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भक्ता बड़े जोगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। 2 उदयातिथि के अनुसार 2 जुलाई को यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है।
जो कि 2 जुलाई को रखा जाएगा इस योगिनी एकादशी का। योगिनी एकादशी के बाद आती है हमारी देवशयनी एकादशी, जो कि इसी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की को पड़ती है। और उस देवशयनी एकादशी के बाद से भगवान विष्णु चातुर्मास यानी कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने वो शयन करते हैं। इसके बाद उनका जागरण कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी को होता है। तो इस प्रकार से यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।